हेलो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडियो में हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं। थ्योरी तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और थ्योरी में आपको कन्फ्यूजन भी होता होगा कि सेंट्रल मैक्सिमम क्या होता है, फिर फर्स्ट मिनिमम क्या होता है, फिर फर्स्ट मैक्सिमम क्या होता है, फिर सेकंड मिनिमम बनता है, फिर सेकंड मैक्सिमम, तो वो क्या बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो थ्योरी में तो देखो आपने पढ़ा है कि हमारे पास लाइट की जो वेव है और वो किसी भी शार्प पॉइंट से ऐसे स्ट्राइक करती है तो उसके ज्योमेट्रिकल शैडो में बेंड हो जाते हैं, इसी को हम डिफ्रेक्शन ऑफ द लाइट बोलते हैं। और यहाँ पर आपको ये भी पता है कि ये जो लाइट है इसकी वेवलेंथ, या फिर हम ये कहें कि जो ऑब्स्टेकल था इसकी जो विड्थ है या इसका जो अपर्चर है वो लाइट की वेवलेंथ के या तो इक्विवेलेंट हो या उससे स्मॉल हो तो ही डिफ्रेक्शन होगा, अदरवाइज डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट नहीं होगा। यहाँ पे एक जनरल सा क्वेश्चन भी है, आप डे टू डे लाइफ में देखते हो कि साउंड का डिफ्रेक्शन हो जाता है, लाइट का डिफ्रेक्शन नहीं होता। उसका रीजन भी यही है कि डे टू डे लाइफ में हमारे पास जो ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनकी जो विड्थ होती है, जैसे दीवार आ गई, कोई स्टोन आ गया, तो वो उनकी विड्थ ज़्यादा होती है और वो जो विड्थ है वो लाइट की वेवलेंथ के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर डिफ्रेक्शन पैटर्न नहीं होता लाइट का, साउंड का हो जाता है। ठीक है, वो तो आपने थ्योरी में पढ़ लिया। अब देखिए एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि हम यहाँ पर क्या यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास एक लेजर लाइट है, और लेजर लाइट देना सर, ये इस लेजर लाइट से हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। जैसे ये लेजर लाइट है, ये लेजर लाइट अगर आप घर पे एक्सपेरिमेंट करना चाहोगे तो मार्केट में 15-20 रुपए में मिल जाती है। देखिए क्या होगा, आप एक्सपेरिमेंट का सेटअप मैं करता हूँ। आपने थ्योरी में इस प्रकार से पढ़ा कि सिंगल सोर्स है, इस प्रकार से ये क्या होगी, स्लिट रहेगी। सोर्स है तो सोर्स इस प्रकार से एक है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम मतलब जो वेव्स हैं इस प्रकार से पैरेलल ही आएंगी, और यहाँ पे हम स्क्रीन रखेंगे। तो थ्योरी में आपने क्या पढ़ा, थ्योरी में आपने पढ़ा कि जब इक्वल पार्ट डिफरेंस से किसी पॉइंट पे मैच करती हैं तो वहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमम बनता है। फिर आप मिनिमम कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट में हमें कैसे दिखने वाला देखेंगे, ये जो सेंट्रल मैक्सिमम है हमें कुछ इस प्रकार से दिखाएगा, इस प्रकार से एक सेंट्रल मैक्सिमम हमारे पास मिलेगा, फिर मिनिमम बनेगा, फिर से एक मैक्सिमम मिलेगा, फिर मिनिमम, फिर से मैक्सिमम, इस प्रकार से आप देखोगे हमें एक पैटर्न जो है स्क्रीन के ऊपर दिखने वाला है। ये जो पैटर्न है यहाँ पे जो लाइनें मैं लगा रहा हूँ, ये जो लाइनें हैं वो मिनिमम वाली लाइनें हैं, और उसके बाद ये जो आपको बीच में दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये मैक्सिमम है, और ये पूरे का पूरा पैटर्न है, ये हमारे एक्सपेरिमेंट में दिखाई देगा। अभी हम एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं, आपको सेटअप के ऊपर लेके चलते हैं, एक एक पार्ट है वो आपको दिखाएंगे, और आपको घर पर अगर करना चाहेंगे तो कैसे कर पाएंगे, आप सिंगल स्लिट कैसे बनाएंगे, और लाइट का जो ऑप्शन था वो मैंने आपको बता दिया, मार्केट में जो लेजर लाइट मिलती है खेलने के लिए 15-20 रुपये की, वो आप लेके आ जाएंगे, उसे आराम से उसको कर पाएंगे। तो चलते हैं हमारे अपैरेटस की तरफ। तो ये हमारे पास लैब के अंदर एक स्टैंड है, इस स्टैंड के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारी जो लेजर लाइट है वो और जो सिंगल स्लिट है उसको हम सेटअप करने वाले हैं। ये स्टैंड है, और ये जो स्टैंड है हमारे पास, ये इसके ऊपर क्या करेंगे, ऐसे करके इसको हम रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लेजर लाइट को माउंट कर देंगे ताकि वो इस प्रकार से जब हमारे हाथ से वाइब्रेट ना होती रहे। बात रही कि सिंगल स्लिट हम कैसे बनाएंगे, तो आप ये देख रहे हो ये हमारे पास शेविंग ब्लेड है, शेविंग ब्लेड दिखाई दे रहा है, सेविंग ब्लेड दिख रही है आपको, सेविंग ब्लेड ऐसे थी मैंने तोड़ के दो पार्ट बना लिए। अब सेविंग ब्लेड लेने का रीज़न ये है क्योंकि इसकी जो आप यहाँ से इसको ऐसे मिलाओगे, ऐसे मिलाओगे तो इससे जो विड्थ बनने वाली है, स्लिट की जो विड्थ बनेगी उसकी जो वो वेवलेंथ जो इसकी विड्थ होगी वो लाइट के वेवलेंथ की इक्वलेंट आने वाली है। अब इसको हम अरेंज कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक थर्मोकोल सीट लिया, पूरा जुगाड़ है, आप अपने घर पर आराम से कर सकते हो। ठीक है, थर्मोकोल सीट है, थर्मोकोल सीट पे क्या करेंगे, इस प्रकार से एक ब्लेड को आप यहाँ इस प्रकार से थर्मोकोल सीट में ऐसे लगा देंगे, और दूसरी ब्लेड को ऐसे करके और यहाँ ऐसे लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप दोनों को लगा देंगे तो आप देखोगे तो आपके पास एक स्लिट बन जाएगी, सिंगल स्लिट की तरह बिहेव करेगी वो, और इनके बीच में जो गैप है वो आपको बहुत ही कम गैप छोड़ना है, ऐसे करके आप इनको अरेंज कर लेंगे। तो ये मेरी सिंगल स्लिट यहाँ पर बन गई है। अब पूरे का पूरा जो अपैरेटस है, देखो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, शायद आपको ऐसे दिखाई दे, देखना पहले मैं बगैर अपैरेटस के करने की कोशिश करता हूँ, बोर्ड के ऊपर आप देखना अगर बगैर उसके स्टैंड के हो जाए तो। लेजर लाइट है, लेजर लाइट, लेजर लाइट को मैं ऐसे करके इसके ऊपर देखो, आप नॉर्मली डालते हैं तो आपको एक ऐसे पॉइंट दिखाई दे रहा है लेजर लाइट का। ठीक है, लेकिन जब ये सिंगल स्लिट पर स्ट्राइक करेगा तो कुछ ऐसे आएगा। बोर्ड पर आपको कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा ना, क्योंकि जूमिंग वगैरह हमें अपने कैमरा की करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिख रहा है, जब हम इसको दीवार पे करेंगे तो आपको और अच्छे से दिखाई दे जाएगा। हम इसको पूरा अपैरेटस को सेट करते हैं स्टैंड के ऊपर और फिर आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखाते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे माउंट कर देता हूँ, ये मेरा स्टैंड माउंट हो गया है। यहाँ पे हमने लेजर लाइट लगानी है, यहाँ पर लेजर लाइट लगाएंगे, ये स्क्रीन होगी। सिंगल स्लिट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ब्लेड को हमने यहाँ लगा दिया और दूसरी ब्लेड को मैंने यहाँ लगा दिया। ब्लेड के दो पार्ट ही हैं एक्चुअली, एक ब्लेड से काम चल जाएगा। दोनों को बहुत ही क्लोज मैंने कर दिया है एक दूसरे के साथ, थोड़ा सा नैरो गैप छोड़ेंगे इसके अंदर,
ये जितना ही अच्छी स्लिट आप बनाओगे पैटर्न उतना ही अच्छा दीवार पे आपको दिखने वाला है। दीवार है, दीवार हमारी इधर सामने दीवार है, दीवार हमारी स्क्रीन की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। और यहाँ से ये मेरी स्लिट है, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, ये स्लिट है और उधर दीवार है। ये हमारे पास जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये स्लिट, ये जैसे स्क्रीन है और ये स्लिट है, इसके बीच की डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो उसमें मेज़र भी कर लूँगा ऐसे, जैसे ये मेरे पास स्केल है, मीटर स्केल है, तो इस प्रकार से ये दीवार है और ये, तो इस प्रकार से ये डिस्टेंस, ऐसे करके अनुमान लगा के मैं डिस्टेंस को मेज़र कर लूँगा। एग्जैक्टली हम करेंगे तो मार्क लगा लेंगे यहाँ पे और इस प्रकार से मेज़र कर लेंगे। जैसे इसको मेज़र करते हैं तो ये हमारे पास आ गया 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ तक ही आ गया है, और 53 सेंटीमीटर ये है, ये मीन 153 सेंटीमीटर के ऊपर स्क्रीन जो है वो रखी हुई है हमारी इसकी। ये स्क्रीन को आप आगे पीछे कर सकते हैं, पैटर्न हमें शार्प पैटर्न से मतलब है, स्क्रीन जितनी आपकी अच्छी डिस्टेंस के ऊपर रहेगी पैटर्न उतने अच्छा बनेगा, वो हम अरेंज कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप 153 सेंटीमीटर पर ही करोगे, ठीक है। ये हमारी लेज़र लाइट है, इसके अंदर माउंट कर दिया हमने। अब हम जैसे ही यहाँ से, आप एक बार देखिएगा कि यहाँ स्लिट के ऊपर जब लाइट स्ट्राइक करती है तो यह इल्यूमिनेशन होगा और उसका जो पैटर्न है वो आपको आगे जाके स्क्रीन पे दिखाई देने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने जब इसके ऊपर इस स्लिट के ऊपर गया तो वहाँ पे जाके स्क्रीन पे देखना है हमें। अब दीवार पे जाके आप पैटर्न को नोट करेंगे, कैमरा को जूम करेंगे वहाँ पे, तो आपको वहाँ पे पैटर्न दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे कैमरा को जूम कर रहे हैं दीवार पे देखिएगा आप, बिल्कुल क्लियर पैटर्न आपको सेंट्रल मैक्सिमम एंड मिनिमम का पैटर्न दिखाई दे रहा है। हाँ ये देखो कितना अच्छा पैटर्न बना है, यहाँ पे आपको सारा सेंट्रल मैक्सिमम दिखाई दे रहा है। नहीं होता, पहले आपको सेंट्रल मैक्सिमम दिखाई देगा, फिर फर्स्ट मिनिमम दिखाई देगा, फिर फर्स्ट मैक्सिमम दिखाई देगा, फिर फर्स्ट मिनिमम दिखाई, सेकेंड मिनिमम दिखाई देगा, फिर मैक्सिमम दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो है मैक्सिमा और मिनिमा का जो पैटर्न है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कितना अच्छा पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न को आप घर पे भी बना सकते हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट नहीं है, बहुत सिंपल सा अरेंजमेंट है। इसके लिए आपको एक लेज़र लाइट की ज़रूरत होगी, जो मैंने आपको बताया मार्केट से आप ले सकते हो, आराम से मार्केट में अवेलेबल है, ले सकते हैं आप।